हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्टाफ नर्स एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपके जितने भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्जाम हो उसके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट इन ऑर्डर टू रिवर्ट निकोटीन चेंजेस, एंड इट्स ऑप्शंस आर एट्रोपिन, प्रेलिडोक्सिम, नेलोक्सोन एंड एमाइल नाइट्रेट। तो इसमें हमारे पास आंसर है, जो एंटीडोट है हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट का वो क्या है, हमारा एट्रोपिन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आइडियल टेम्परेचर यूज्ड इन सीड्स बाथ, जो आइडियल टेम्परेचर होता है हमारा सीड्स बाथ में वो कितना होता है, 105 to 110 तक डिग्री फारेनहाइट तक। सीड्स बाथ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सीड्स बाथ क्या करती है, रिड्यूस करती है इन्फ्लामेशन को, इम्प्रूव करती है हाइजीन को और प्रमोट करती है हमारे ब्लड फ्लो को, इसलिए हम सीड्स बाथ जो है आफ्टर डिलीवरी भी जो है प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, एंड इट्स ऑप्शंस आर, The normal pH of blood is 7.35 to 7.45. ये जो है वेरी करता रहता है 0 to 14. Question number fourth, the diarrhea can leads to, अगर पेशेंट में डायरिया है तो उसमें क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि इसमें क्या है प्राइमरी एसिड बेस जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है आइदर लॉस ऑफ एसिड और गेन इन HCO3. Then next है हमारा question number fifth, the lack of oxygen in bloodstream is termed as, उसको हम बोलते हैं hypoxemia. Question number sixth, what is the strength of Savlon for disinfection of thermometer, and its answer is a 1:20. Question number seventh, the endoscopic instrument can be sterilized by, जो endoscopic instrument है उसको हम sterile करते हैं मॉइस्ट हीट मेथड से। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, द क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो क्लाउडी अपीयरेंस है यूरिन की वो किसकी प्रेजेंस से होती, शुगर, अगर यूरिन में शुगर है तो उसकी वजह से क्लाउडी फॉर्मेशन होती है, वो मेनली किन में होती है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, फॉर राइट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन द कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू, हम कहां से कैथेटर इंसर्ट करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर लीवर बायोप्सी, किन में हम लीवर बायोप्सी नहीं करते हैं, तो हमारे पास आंसर है इन तीनों ही कंडीशन में हम लीवर बायोप्सी नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, द मोस्ट कॉमन साइट for taking liver biopsy is, in its answer is a hypochondric region से जो है हम liver की biopsy सबसे common site है हमारी। Question number 12, position of paralysis patient is frequently changed, क्यों change करते हैं paralysis patient की, क्योंकि हमें उन्हें क्या करना होता है, to prevent the pressure source से prevent करने के लिए हम उनको क्या करते हैं पोजीशन जो है उनकी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th, इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ डायग्नोस्टिक एड, इनमें से क्या डायग्नोस्टिक एड नहीं है, तो इसमें हमारे पास आंसर है जो ट्यूबेक्टमी है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक एड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14th, द डायग्नोस्टिक एड परफॉर्मेंस फॉर द डायग्नोसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट इज, तो इसमें हमारे पास आंसर है एंजियोग्राफी का यूज करते हैं ताकि हमें डायग्नोस करना होता है जब आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15th, द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वेरियम स्वेलो इज, जो सॉल्यूशन यूज होता है हमारे वेरियम स्वेलो में वो होता है हमारा वेरियम सल्फेट, तो जो वेरियम सल्फेट है वो क्या है, हमारा मेटलिक कंपाउंड है, जो क्या शो करता है, इट शोज ऑन एक्सरेस एंड इट इज हेल्पफुल इन सी द एबनॉर्मलिटीज इन द इसोफेगस एंड स्टमक में, कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसको सी करने के लिए हम वेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th, फॉर लेफ्ट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू, हम कहाँ से कैथेटर इंसर्ट करते हैं, फिमोरल
आर्टरी से। क्वेश्चन नंबर 17, द डायग्नोस्टिक एड दैट इज यूज टू डायग्नोज दी माइस्थीनिया ग्रेविस, तो इसमें वापस आंसर है इलेक्ट्रोमायोग्राफ। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या है? एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, असेस करते हैं हेल्थ ऑफ मसल और नर्व सेल्स जो उनको कंट्रोल करती हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18th, इन एन एडल्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज, तो इसमें हमारे पास आंसर है 3000 ml। क्वेश्चन नंबर 19th, द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलोग्राफी बोलते हैं। Then next है question number 20. The use of the following drug in pregnancy can cause neural tube defect in newborn. अगर हम क्या दे रहे हैं, drugs जो है कुछ pregnancy में mother को दे रहे हैं, तो कौन सी drug से neural tube defect होता है, तो इसमें हमारे पास answer है valproate जो drug है उससे क्या है, जो वॉल्प्रेट सबसे पहले एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो क्या करता है, ड्रग अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं तो स्पाइना बायफिडा और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का ज्यादा रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी हम देते हैं उस टाइम पे क्या होने का चांस होता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो हो जाता है उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 22, द कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स टू, तो उसमें हमारे पास आंसर आता है स्ट्रोक की कंडीशन होने का रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड दैट कैन स्ट्रोक इट्स हार्मोन एंड इज, उसमें हमारा हार्मोन है थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24, इन वायरल इंफेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट विल बी एलिवेटेड। वायरल इंफेक्शंस में हमारा इजिनोफिल जो काउंट है वो एलिवेट हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25th, द कलर ऑफ EDTA ट्यूब इज, जो हमारा कलर होता है EDTA ट्यूब इज वो क्या होता है, लेवेंडर, जो ब्लूइश से कलर का होता है, पर्पल कलर जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट इन्वॉल्व विद आई, तो इसमें हमारे पास आंसर है एसेसरी जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती आई में। क्वेश्चन नंबर 27, द कंडीशन इन विच टोटल यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 ml, तो उसमें हम कौन सी कंडीशन होती है, पॉलीग्यूरिया की कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द एक्यूरेट वे टू चेक द पोजीशन ऑफ राइल्स ट्यूब, उसमें हमारे पास आंसर है रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग विल द नर्स आइडेंटिफाई व्हाइल असेसिंग अ क्लाइंट विद फीवर, तो उसमें हम क्या सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, टैकीकार्डिया, अगर पेशेंट में फीवर है तो उसकी हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज हो जाती है, फास्ट फास्ट बीट होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, द एंट्रोस्कोपी इज यूज टू विजुअलाइज, एंट्रोस्कोपी का हम यूज, एंट्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है इसका यूज करते हैं टू विजुअलाइज डायग्नोज और ट्रीट दी प्रॉब्लम इनसाइड अ जॉइंट, के जो अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए, तो इसमें हमारे पास आंसर है मैक्सिलरी साइनस। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है, अगर नॉलेजेबल लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।